नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों के स्वास्थ्य के अधिकारों के बारे में। काफ़ी नहीं कि शरीर में रोग या दुर्बलता का अभाव हो तो उसे एक स्वस्थ शरीर कहा जा सकता है, बल्कि स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आरोग्य की अवस्था को माना जाता है। जैसे कि हम सभी को पता है, बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए हर बच्चा तंदुरुस्त और निरोगी होना ज़रूरी है। हर बच्चे को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए हर गर्भवती माता को उनके विभाग के सरकारी अस्पताल में मुफ्त में टीकाकरण किया जाता है और आंगनवाड़ी में पौष्टिक आहार दिया जाता है। बच्चे के जन्म होने पर उनको रोगों से बचने के लिए मुफ्त में अलग अलग टीकाकरण किया जाता है। बच्चों के स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए आंगनवाड़ी में पौष्टिक आहार दिया जाता है। बच्चे को उच्चतम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं पाने का अधिकार है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्कूल में विशेष ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि हर साल बच्चों की पूरी शारीरिक जांच आवश्यक है। साथ ही साथ रोगों से बचने के लिए टीकाकरण होना जरूरी है। स्कूल में बच्चों को स्वस्थ वातावरण मिलना जरूरी है, जैसे क्लासरूम, शौचालय, पीने का पानी और आजू बाजू का परिसर स्वच्छ होना चाहिए। खेलने के लिए मैदान होना जरूरी है। शारीरिक शिक्षण की तासिका होनी जरूरी है, जिससे बच्चों को खेलने को मिल सके। साथ ही साथ स्कूल में बच्चों को शारीरिक और मानसिक शोषण से सुरक्षा मिलनी बहुत आवश्यक है। स्कूल में बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा मिलनी जरूरी है, जिससे बच्चों को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी मिले। इसलिए बच्चों को बिना मारपीट किए प्यार से पढ़ाना जरूरी है। स्कूल में बच्चों को पौष्टिक आहार मिलना जरूरी है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्कूल में समुपदेशक शिक्षक का होना जरूरी है। स्कूल के साथ घर में बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए माता पिता को ध्यान देना आवश्यक है। घर में बच्चों को आनंदी वातावरण, पौष्टिक आहार और मानसिक शारीरिक शोषण से सुरक्षा तथा चिकित्सक सुविधा मिलनी जरूरी है, जिससे बच्चे तन से और मन से स्वस्थ रहे और आगे बढ़े। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हमेशा प्रयास करना हम बड़े व्यक्तियों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो चलो आगे प्रयास का हाथ बढ़ाएंगे, बच्चों का भविष्य बनाएंगे। स्वस्थ रहेगा हर बच्चा, तभी तो जीवन होगा उसका अच्छा। स्वस्थ रहेगा हर बच्चा, तभी तो जीवन होगा उसका अच्छा।